नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 अप्रैल 2019 और स्वागत है आपका प्लेन बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। सबसे पहले आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, तमिलनाडु का एक टाउन है, नाम है कुन्नूर टाउन। इस कुन्नूर कस्बे में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल को देखा गया है बर्ड वॉचर्स के द्वारा लंबे समय के बाद। देखो, ये जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है ना, ये हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में मिलता है और वेस्टर्न घाट में भी मिलता है। वेस्टर्न घाट की हम पर्टिकुलरली बात करें, वेस्टर्न घाट में नीलगिरी में लोअर स्लोप्स में ये पक्षी पाया जाता है। लोअर स्लोप्स का मतलब सी लेवल से 1200 मीटर तक की ऊंचाई तक ये पक्षी देखा जा सकता है। नीलगिरी हिल्स में 1200 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर ये पक्षी अक्सर नहीं देखा जाता है। तो आमतौर पर ये जो पक्षी हैं, ह्यूमन हैबिटेशन को देखो अवॉइड करता है। जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स होती हैं वहाँ पर ये पक्षी नहीं जाता है, और कुन्नूर टाउन में ह्यूमन हैबिटेशन काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पर इस पक्षी को देखा गया है। इसीलिए ये काफ़ी हैरानी की बात है और इसीलिए इस पर आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो जानकारों का कहना है काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज या फिर कुन्नूर टाउन के आसपास अभी ये जो पक्षी है सेफ महसूस करता है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इस पक्षी को अब देखा गया है कुन्नूर टाउन के आसपास। हम बात करें देखो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की, ये स्टेट बर्ड है। स्टेट बर्ड कौन से स्टेट्स का है? एक तो देखो अरुणाचल प्रदेश और दूसरा केरल, ये ध्यान रखने वाली बात है। और IUCN की रेड लिस्ट में ये जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है ये आता है वल्नरेबल कैटेगरी में। पहले देखो ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आया करता था IUCN की रेड लिस्ट में, लेकिन संख्या जो है लगातार कम हो रही है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की। तो 2018 में इस पक्षी को वल्नरेबल कैटेगरी में डाल दिया गया था। और आपको पता है नागालैंड में हर एक साल ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज होता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के बारे में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल तो देखो मैपिंग से संबंधित है। सूडान में 30 सालों तक राज रहा उमर अल बसीर का, ये 30 सालों तक प्रेसिडेंट रहे और अब वहाँ पे कू हो गया है। वहाँ पे काफ़ी समय से प्रोटेस्ट चल रहा था डेमोक्रेसी को इस्टाब्लिश करने के लिए। जो एक्टिविस्ट हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, काफ़ी वायलेंस भी हुआ था, लेकिन अब कू हो गया, सत्ता आ गई वहाँ पे मिलिट्री के हाथ में। तो वो एक्टिविस्ट जो डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी निराश हो गए। उनको लगा कि अरे हम तो इतने साल से प्रोटेस्ट कर रहे थे डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश होगी, ये उमर अल बसीर भाई साहब गए, 30 सालों तक इन्होंने राज किया तो मिलिट्री के हाथ में सत्ता आ गई, और मिलिट्री वाले बोलते हैं कि 2 साल तक हम अपने हाथों में सत्ता रखेंगे, उसके बाद इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे। तो देखो कोई गारंटी नहीं है ना कि 2 साल बाद इलेक्शन होंगे। हो सकता है कि अभी जो आर्मी चीफ हैं वो 2 साल तक राज करें और बाद में खुद डिक्टेटर बन जाएं। तो काफ़ी अभी फिलहाल इंस्टेबिलिटी है सूडान में। और ये जो उमर अल बसीर थे ना, इन्होंने सूडान को अच्छे से गवर्न नहीं किया, तो सूडान की जो अर्थव्यवस्था है वो भी टेंट्रम्स में है। आप लोकेशन देख लीजिए सूडान की, सूडान अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में है। आसपास के देशों की बात करें तो इस मैप से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ऊपर यहाँ पे इजिप्ट है, लीबिया है, चैड है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कोंगो है, नीचे उगांडा, कीनिया, इथोपिया, और ये जिबूती जहाँ पे चाइना ने अपना पहला मिलिट्री बेस इस्टाब्लिश किया है, यहाँ पे अरिट्रिया है, और ये रेड सी है। तो सूडान जो है, सूडान का बॉर्डर टच होता है रेड सी से, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस प्रकार की बातों पर UPSC ज़्यादा फोकस करती है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, वेस्ट बंगाल सरकार के 2 प्रोजेक्ट्स, एक तो उत्कर्ष बांग्ला और दूसरा सबूज साथी। वेस्ट बंगाल के इन दोनों प्रोजेक्ट्स को वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड्स दिया गया है। उत्कर्ष बंगला प्रोजेक्ट को कैपेसिटी बिल्डिंग की कैटेगरी में टॉप स्थान प्राप्त हुआ है। देखो, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं ना, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है काफ़ी सारे एरियाज़ में, जैसे टेलीविज़न रिपेयर करने का कोर्स करवा दिया, या फिर टेलरिंग का कोर्स करवा दिया, रेफ्रिजरेटर को ठीक करने का कोर्स करवा दिया। इस प्रकार के कोर्स करवाए जाते हैं स्कूल ड्रॉप आउट्स को इस प्रोजेक्ट के अंदर, उत्कर्ष बंगला के अंदर। तो हर साल 6 लाख यूथ को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनको रोजगार मिल सके, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ वो हासिल कर सकें।
दूसरे प्रोजेक्ट की हम बात करें सबूत साथी। देखो जो कैटेगरी है आईसीटी एप्लीकेशन ई गवर्नमेंट कैटेगरी, इस कैटेगरी में टॉप 5 प्रोजेक्ट्स में से शामिल है पश्चिम बंगाल का ये प्रोजेक्ट सबूत साथी। इस प्रोजेक्ट में 1 करोड़ बाइसाइकल्स वितरित की गई हैं स्कूल जाने वाले 11वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को। आमतौर पे देखो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स पर यूपीएससी फोकस करती नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल अगर कोई अवार्ड मिल जाए, कोई क्रेडिट मिल जाए या फिर राज्य सरकार की कोई स्कीम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ जाती है तो उनको हमें एक बार देख लेना चाहिए। तो वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड्स दिए गए हैं पश्चिम बंगाल की इन 2 स्कीम्स को, इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। और थोड़ा सा हम जानें वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम के बारे में। इसे देखो को ऑर्गेनाइज किया जाता है ITU, यूनेस्को, UNDP और UNCTAD के द्वारा। ITU का मतलब है यहाँ पे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, यूनेस्को का मतलब आपको पता है, UNDP का मतलब है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और UNCTAD का मतलब है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। 2019 में ये जो वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी है ये देखो अपनी 10वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम के इस्टेब्लिश होने की। थीम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखो वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो प्राइज है ये एक प्रकार से इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट है उन इंडिविजुअल्स को रिकॉग्नाइज करने का या फिर गवर्नमेंट एफर्ट्स या फिर प्राइवेट बॉडीज के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने का जिन्होंने अच्छा काम किया है ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से डेवलपमेंट ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने का। समझ गए, कोई इंडिविजुअल हो, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट बॉडी हो, इन सब ने अगर अच्छा काम किया है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से एक बढ़िया डेवलपमेंट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी को बनाया और इम्प्लीमेंट किया तो इनके प्रयासों को रिकॉग्नाइज किया जाता है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड्स की सहायता से। कॉन्टेस्ट सबसे पहले कब आयोजित हुआ था, 2012 में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल सरस्वती सम्मान 2018 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, एक तेलुगु कवि है के शिवा रेड्डी, इनको सिलेक्ट किया गया है प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2018 अवार्ड के लिए। इनकी एक बुक है, कलेक्शन ऑफ पोइट्री है, मतलब कविताओं का एक कलेक्शन है, नाम है पकाकी OTG लाइट, मतलब नीचे गिरे हुए हो आप, इस सिचुएशन से एक साइड टर्न करना। क्रिटेरिया क्या है इस अवार्ड को देने का, देखो हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस मेंशन हैं उन लैंग्वेजेस में भारत के किसी नागरिक ने कोई अच्छा काम किया है पिछले 10 सालों में तो वो एलिजिबल है सरस्वती सम्मान के लिए। कब स्टार्ट किया गया था ये अवार्ड, ये अवार्ड देखो सबसे पहले दिया गया था 1991 में। किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। कैश प्राइज कितना दिया जाता है ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। UPSC ये पूछ सकती है सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल न्यू ह्यूमन एंसेस्टर स्पीसीज के बारे में है, मतलब हमारे पूर्वजों की नई स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। नाम दिया गया है होमो लुजोनेसिस। देखो फिलीपींस में एक आइलैंड है, आइलैंड का नाम है लुजोन। इस आइलैंड में एक केव में 2 अडल्ट्स और 1 चाइल्ड के जो अवशेष मिले हैं उन अवशेषों के आधार पर, अवशेषों में 13 बोन्स और टीथ थे तो अवशेषों के आधार पर साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया था तो साइंटिस्ट ने हमारे एंसेस्टर्स की इस स्पीशीज को नाम दिया है होमो लुजोनोसिस, क्योंकि फिलीपींस के लुजोन आइलैंड में इस स्पीशीज के अवशेष मिले हैं। देखो होमो सेपियंस यानी आज के जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स हैं इनमें जो प्री मोलर टीथ होते हैं, प्री मोलर दांत, उन दांतों में सिर्फ एक सिंगल रूट होता है, जबकि साइंटिस्ट ने हमारे एंसेस्टर्स की नई स्पीसीज को जो आइडेंटिफाई किया है होमो लुजोनेसिस, इनके प्री मोलर टीथ के एक रूट नहीं होता, 2 या फिर 3 रूट्स होते हैं,
उसी प्रकार से हमारे पूर्वजों की एक और स्पीसीज जिसको ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया जा चुका है, नाम है होमो एरेक्टस, जो कि रहा करते थे अफ्रीका में और एशिया में ऑलमोस्ट 1,43,000 साल पहले। इनके भी प्री मोलर जो दांत हैं उनके दो या फिर दो से अधिक रूट हुआ करते थे। तो ये डिफरेंस है। आज के समय में जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं यानी होमो सेपियंस, उनके प्री मोलर टीथ का सिर्फ एक रूट है, जबकि हमारे पूर्वजों की दो स्पीसीज के हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए, उनके प्री मोलर टीथ के दो या फिर दो से अधिक रूट देखने को मिलते थे। पर्टिकुलरली हम बात करें नई हमारे एंसेस्टर्स की जो स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया है, जिनका नाम है होमो लुजुनेसिस, ये देखो 3 से 4 फीट लंबे थे और लुजुन आइलैंड पर रहा करते थे ऑलमोस्ट 50,000 साल से लेके 67 ईयर्स पहले। और ये मॉडर्न ह्यूमन बींग्स के डायरेक्ट पूर्वज नहीं थे, दूर के एंशियंट रिलेटिव आप इनको कह सकते हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया न्यू ह्यूमन एंसेस्टर स्पीसीज के बारे में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कहाँ पे इस स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया है। फिलीपींस का एक आइलैंड है, नाम है लुजोन। यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए आप, लुजोन आइलैंड पर न्यू ह्यूमन एंसेस्टर स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल ब्लू के बारे में है। ब्लू देखो एक रोबोट है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और दूसरी यूनिवर्सिटीज ने मिलकर ये रोबोट तैयार किया है ब्लू। ब्लू रोबोट की खास बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से जो कॉम्प्लेक्स काम ह्यूमन बींग्स के द्वारा किए जाते हैं वो काम इस रोबोट के द्वारा किए जा सकते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है इसके लिए ब्लू रोबोट के द्वारा। जैसे देखो कपड़े फोल्ड करना हो, आमतौर पे रोबोट के द्वारा इस प्रकार के काम करना मुश्किल होता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से ये ब्लू रोबोट इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स काम भी कर सकेगा। एक और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो, जैसे घर पर कॉफ़ी को प्रिपेयर करना, इस प्रकार के काम किए जा सकेंगे ब्लू रोबोट के द्वारा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने डिस्कस किया सूडान के मैप के बारे में, हमने वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड्स के बारे में जाना, पश्चिम बंगाल सरकार के दो प्रोजेक्ट्स को अवार्ड मिला है इसमें, उसके बाद हमने डिस्कस किया सरस्वती सम्मान 2018 के बारे में, हमने न्यू ह्यूमन एंसेस्टर स्पीसीज के बारे में डिस्कस किया डिटेल से, और उसके बाद हमने सबसे लास्ट में डिस्कस किया ब्लू रोबोट के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।